नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम साहिल राणा है। क्या लगाना भाई? और तो यहाँ पर बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो ये यहीं से शुरुआत करते हैं कि बहुत हंसने लगे हो जानी, बहुत हंसने लगे हो जानी, अंदर कुछ टूटा है क्या? बहुत हंसने लगे हो जानी, अंदर कुछ टूटा है क्या? और ये बार बार तुम मुड़कर किसे देखते हो, तुम्हारा पीछे कुछ छूटा है क्या? बहुत शुक्रिया। और एक ये सुनिएगा कि सजने सवरने का उसे अब शौक ही कहाँ, सजने सवरने का उसे अब शौक ही कहाँ, एक उम्र पुरानी मोहब्बत जो उसने गवाई है। सजने सवरने का उसे अब शौक ही कहाँ, एक उम्र पुरानी मोहब्बत जो उसने गवाई है कि दम घुटता है आज भी उसका खुली हवाओं में, हम सफर तेरे जाने के बाद उसे सांस ही कहाँ आई है। और यहाँ पर एक और इसमें एक है, इसमें है कि एक वर्ड आएगा रिवायत। रिवायत का मतलब होता है एक की बात दूसरों को बताना। काफी बार ऐसा होता है जो हमारे बीच बातें हुई वो किसी और को बताई जाती है कि हाँ मतलब वो ऐसा था, कि दूसरों से इश्क की अब यूं रिवायत करोगे, दूसरों से इश्क की अब यूं रिवायत करोगे। अच्छा ये बताओ, हमने जो कभी मोहब्बत की थी तुमसे, अब क्या उसकी भी उससे शिकायत कर। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक पोइट्री है कि इस पोइट्री का नाम है वो, और शुरू करते हैं कि एक मुद्दत से जो जागा था मुझ में, एक मुद्दत से जो जागा था मुझ में वो अब शांति से सो रहा है, एक मुद्दत से जो जागा था मुझ में वो अब शांति से सो रहा है, आज फिर खुद को धोखा दिया हमने और मिल आए उनसे, अल्लाह मुझे माफ करे मुझे फिर उनसे प्यार हो रहा है, अल्लाह मुझे माफ करे मुझे फिर उनसे प्यार हो रहा है। और जब मिलते हैं तो या तो ये इससे आगे का है कि जब मिलते हैं कि आंखें उनकी खुश थी, शायद रोइनी होगी, आंखें उनकी खुश थी मिलने पर एक अलग ही एहसास था, आंखें उनकी खुश थी मिलने पर एक अलग ही एहसास था, करीब गए उनके तो एक अनजाने से इत्र की महक आई, आंखें उनकी खुश थी मिलने पर एक अलग ही एहसास था, करीब गए उनके तो एक अनजाने से इत्र की महक आई, शायद मुझसे पहले कोई और भी उनके पास था, शायद मुझसे पहले कोई और भी उनके पास था, और बदल सिर से लेकर पैर के नाखून तक वो खुद को, बदल सिर से लेकर पैर के नाखून तक वो खुद को, कहता है तुम बदतमीज, तुम बदनसीब, तुम बेवफा, तुम्हारा ही दिमाग खराब था, तुम्हारा ही दिमाग खराब था। और वो क्या जाने हमने किस तरह नींदों को आंसुओं में बहाया है, वो क्या जाने हमने किस तरह नींदों को आंसुओं में बहाया है, 3 साल रात भर जाग कर जो तालाब भरा था हमने, उसी को कलम में डालकर किस तरह हमने दोस्तों की महफिलों को सजाया है। किस तरह हमने दोस्तों की महफिलों को सजाया है। और यहाँ पर खत्म करता हूँ कि अब खुश हूँ, अब खुश हूँ, अब तन्हाई मेरे पास नहीं आती, अब खुश हूँ, अब तन्हाई मेरे पास नहीं आती, शुक्र है मेरे मालिक तूने हिम्मत बख्शी, अब मुझे उसकी याद नहीं आती। बहुत शुक्रिया। और एक ये सुनिएगा कि सिर्फ करवटे बदलने से नींद आती, सिर्फ करवटे बदलने से नींद आती तो ख्वाब कभी अंधेरे में नहीं होते, सिर्फ करवटे बदलने से नींद आती तो ख्वाब कभी अंधेरे में नहीं होते, अगर पता होता मुझे तुम्हारा ये किरदार तो हम मर जाते लेकिन कभी तेरे नहीं होते। बहुत शुक्रिया। और ये सुनिएगा कि बातों से मेरी वो पिघलने लगा, आजकल लोगों ने मजाक बना रखा है मोहब्बत को, हर दूसरे बंदे से मोहब्बत है, एक आया फिर उससे हो गई, तीसरा आया फिर उससे हो गई। तो ये सुनिएगा कि बातों से मेरी वो पिघलने लगा, बातों से मेरी वो पिघलने लगा, मैंने लिखा मोहब्बत और कागज से भी खून निकलने लगा, बातों से मेरी वो पिघलने लगा, मैंने लिखा मोहब्बत और कागज से भी खून निकलने लगा, और कुछ लोगों ने इस शब्द को यूं आम कर दिया, आए दिन महबूब बदल के जानिमों ने मोहब्बत को ही बदनाम कर दिया। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे इस शेर को ध्यान से सुनिएगा कि आजकल लोग इश्क किए बैठे हैं। यहाँ पर अल्लकी कौन कौन था प्यार में, हाथ उठा के बताएं, सभी थे ना, तो आपके दिल के करीब होगी ये कि आजकल लोग इश्क किए बैठे हैं, आजकल लोग इश्क किए बैठे हैं, बदनसीब तो हैं वो जिन्हें वफा मिली बदले में, बाकी सारे खुश नसीब मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा कि ये तो चंद लम्हों की कहानी है मेरे, अभी बताया तुमको कुछ भी नहीं, ये तो चंद लम्हों की कहानी है मेरे, अभी बताया तुमको कुछ भी नहीं, कि उनका बदलता लहजा कैसे मेरी रूह के टुकड़े करके गया, मेरे नगमे पढ़कर तो देखो मैंने छिपाया तुमसे कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।